देश भर में सोमवार यानी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समझाया कि आखिर नए कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी। ये नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1807 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का, आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे, सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है, 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी एक ऑप्शन था, ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला कानून था, वो एक कानून के लिए स्पेशल अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते थे। इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे, गृह सचिव जी ने सभी आईपीएस अफसरों से सुझाव मांगे थे, सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे थे और ये सब सुझाव मिल मिलाकर मैंने खुद अधिकारियों की बैठक को अलग करे तो मैंने खुद 158 बार
इसकी मीमांसा कर बैठक कर विचार कर एक बिल बनाया। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है, गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। ढाई महीना या तो तीन महीना इस पर विशद चर्चा हुई, सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। चार पांच पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं, आराम से करिए पॉलिटिक्स, कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे, मगर ये कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान का जो स्पिरिट है, न्याय और आत्मसम्मान, वो समय पर दिलाने की एक एक्सरसाइज है। तो आप सभी लोग इसमें कॉपरेट करिए और मैं मानता हूं कि जिसको भी कुछ कहना है मेरा दफ्तर हमेशा खुला है, मैं अवेलेबल हूं, मिलने से